तो हेलो दोस्तों, इसी के साथ हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। जीएसके ओवरऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम आप सभी को बताएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट यूज ऑन टैंकर। नेम 3 टाइप ऑफ वर्क परमिट यूज ऑन टैंकर। जब हम टैंकर पे काम करेंगे तो 3 टाइप के जो वर्क परमिट होते हैं उनको इसमें उनका नाम बताना है, कौन कौन से वर्क परमिट हम लेके टैंकर पे काम करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 वो वर्क परमिट होते हैं जो हम लेके और टैंकर पे काम करने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्या होगा वर्क परमिट। पहला वर्क परमिट लेंगे हम हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्यों लेंगे, क्योंकि हम जब चिपिंग करते हैं या बेलिंग वगैरह करते हैं टैंकर पे तो फ्लेमेबल आग लगने का वहाँ पे चांस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग हॉट वर्क परमिट लेते हैं। टैंक एंट्री परमिट, टैंक एंट्री परमिट जब हम टैंकर पे काम करते हैं किसी टैंक में इंटर होते हैं तो उसके लिए भी हम परमिट लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी चांसेस रहता है, रिक्स रहता है, क्योंकि जब एंट्री करेंगे टैंक के अंदर तो हम लोगों के वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। इसके लिए हम पहले से ही टैंक एंट्री परमिट ले लेंगे। और फिर तीसरा हो गया इंक्लोज स्पेस एंट्री परमिट। तो इंक्लोज स्पेस एंट्री परमिट ये 3 नंबर हो गया। ये भी एक परमिट होता है, जब इंक्लोज स्पेस में हम जाते हैं तो उसका भी परमिट लेते हैं। इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इंक्लोज स्पेस परमिट के बारे में, इंक्लोज स्पेस परमिट क्या होता है। तो ये अभी इंक्लोज स्पेस के बारे में पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन होता है आपका व्हाट इज इंक्लोज स्पेस, मतलब इंक्लोज स्पेस क्या होता है। तो सर्वेयर आप सभी से पूछेगा कि परमिट तो आपने ले लिया है इंक्लोज स्पेस परमिट, तो ये बताइए कि इंक्लोज स्पेस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं इंक्लोज स्पेस क्या होता है। दे सकते हैं एनी स्पेस डेट इज क्लोज। एनी मीन्स कोई स्पेस नहीं, जगह कोई जगह, दैट इज क्लोज मतलब क्लोज हो, आर अनवेंटिलेटेड फॉर सम टाइम, कोई जगह बंद हो और अनवेंटिलेटेड मतलब वेंटिलेट उसको नहीं किया गया हो, अनवेंटिलेटेड हो फॉर सम टाइम कुछ टाइम से, उसको हम इंक्लोज स्पेस बोलते हैं। एनी स्पेस दैट इज क्लोज आर अनवेंटिलेटेड फॉर सम टाइम, कोई ऐसा जगह जो क्लोज हो और अनवेंटिलेटेड हो, वेंटिलेट ना किया गया हो, उसे हम इंक्लोज स्पेस बोलते हैं। दूसरा हो गया एनी प्लेस विच कंटेन्स हार्मफुल गैस, क्या होता है एनी प्लेस विच कंटेन्स हार्मफुल गैस, वह जगह जहां पे हार्मफुल गैस होता है वो इंक्लोज स्पेस कहलाता है। हार्मफुल गैस मतलब नुकसानदायक गैस, जो नुकसानदायक गैस होता है जहाँ पे वो स्पेस भी इंक्लोज स्पेस के दायरे में आता है, इंक्लोज स्पेस कहते हैं। तीसरा हो गया एनी प्लेस विथ मे बी डिफिशियंट ऑक्सीजन, वो प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो उसे भी हम इंक्लोज स्पेस बोलते हैं। तो इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन हो गया व्हाट इज कोल्ड वर्क। सर्वेयर पूछेगा आपसे व्हाट इज कोल्ड वर्क, तो कोल्ड वर्क का मतलब है जो काम में हीट का प्रॉब्लम नहीं रहता है, हीट नहीं होता है उस काम को छोड़ के, ये कोल्ड वर्क मतलब ठंडा, जो वर्क में ठंडा होता है, जैसे मान लीजिए हम सीट पे वाल्व वगैरह खोलते हैं तो उसको कोल्ड वर्क बोलते हैं। तो सर्वेयर पूछेगा व्हाट इज कोल्ड वर्क, तो आइए देखते हैं। ये हो गया द वर्क विच इज नॉट हॉट वर्क इज कॉल्ड कोल्ड वर्क। इसका क्या हुआ द वर्क विच इज नॉट हॉट वर्क इज कॉल्ड कोल्ड वर्क, जो कार्य हॉट वर्क नहीं होता है उसे हम कोल्ड वर्क करते हैं। क्या हुआ जो काम हॉट वर्क नहीं रहता है उसे हम कोल्ड वर्क करते हैं। इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द हजार्ड एसोसिएट विथ इंक्लोज स्पेस एंट्री। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द हजार्ड एसोसिएटेड विथ इंक्लोज स्पेस एंट्री। जब हम इंक्लोज स्पेस में एंट्री करते हैं तो
हमारे साथ हैजार्डस खतरा होता है, हमारे साथ क्या क्या खतरा हो सकता है, किन किन खतरा का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, सर्वे पूछेगा कि हम जब इनक्लोज स्पेस में एंट्री करते हैं तो किस किस खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मीन्स कमी होता है ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे जब हम इनक्लोज स्पेस में एंट्री करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सेकेंड नंबर हो गया प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक गैस, ये हो गया प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैस, वहां पे टॉक्सिक गैस की मात्रा वहां पे मिल सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर हो गया फ्लेमेबल एटमोस्फियर, वहां का वातावरण जो होगा फ्लेमेबल हो सकता है। फिजिक्स आज 14वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन हो गया विल यू इंटर ए होल्ड ऑफ ए बल्क कैरियर इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग, नो व्हाई। क्वेश्चन कह रहा है विल यू इंटर, क्या आप अंदर जाओगे ए होल्ड, एक होल्ड पे आप ए बल्क कैरियर। शिप आता है बल्क कैरियर, उसका जो होल्ड होता है बड़ा सा जिसमें कार्गो रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या आप एक बल्क कैरियर का जो होल्ड होता है उसमें इंटर करोगे आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग, मतलब क्या आप एक जो बल्क कैरियर का होल्ड होता है जो वो ओपन होगा उसके तुरंत बाद आप उसमें अंदर चले जाओगे। तो आप बोलोगे नहीं, नो व्हाई। तो फिर सर्वे पूछेगा क्यों, एक जो बल्क कैरियर का जो कार्गो होल्ड होता है वो तुरंत ओपनिंग होगा उसका, तो आप उसमें अंदर जाओगे या नहीं, सर्वे ऐसा पूछेगा तो आप बोलोगे नहीं। तो फिर सर्वे पूछेगा नो, आप बोलोगे नो तो वो पूछेगा व्हाई, मतलब क्यों, क्यों आप एक बल्क कैरियर का जो कार्गो होल्ड होता है वो तुरंत ओपनिंग करने के बाद उसमें आप क्यों तुरंत नहीं जाओगे अंदर। तो आइए हम बताते हैं क्यों नहीं जाएंगे। आई विल नॉट इंटर, मैं प्रवेश नहीं करूंगा, बिकॉज क्योंकि देयर मे बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मैं प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरा नंबर हो गया आफ्टर प्रॉपर वेंटिलेटेड एंड चेकिंग द एटमोस्फियर इन साइड होल्ड एंट्री इज कंसीडर्ड, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा हिंदी में पहले मैं इंटर नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पहले मैं उस होल्ड को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करूंगा, उसके पास उसके अंदर के एटमोस्फियर को, मतलब एटमोस्फियर भी होता है वातावरण, तो उसके अंदर के वातावरण को पहले चेक करूंगा कि वहां पे एंट्री जो है कंसीडर, मतलब वहां पे एंट्री करना संभव हो तभी हम इंटर करेंगे। तो इसका पूरा हो गया नहीं, मैं होल्ड के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पहले मैं प्रॉपर होल्ड को वेंटिलेट करूंगा, उसके बाद उसको अंदर होल्ड के अंदर चेकअप करूंगा कि वहां पे प्रॉपर एटमोस्फियर है कि नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाद एंट्री करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगला चैप्टर में।